अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 की केमिस्ट्री से है। इसका जो पहला चैप्टर है उसमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री आ जाती है, यानी कि केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। किसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को? हम मैटर के स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को इसमें डिस्कस करते हैं, और इसमें हम जो मैटर में चेंजिंग्स आते हैं उसको भी हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। सो आल्सो डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन मैटर। अब हमारे पास मैटर क्या होता है? मैटर हमारे पास होता है एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, कोई भी चीज़ जिसके पास यानी कि वो वज़न भी रखे और जगह भी घेरे, उसको हम मैटर कहते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन को हमने डिस्क्राइब किया। उसके आगे हमारे पास आ जाता है द ग्रीक पीरियड, यानी कि जो ग्रीक पीरियड था उसमें हमारे पास कौन से साइंटिस्ट थे और उनकी क्या जो कंट्रीब्यूशंस थी उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ग्रीक पीरियड में हमारे पास एरिस्टोटल आ जाता है, जो कि ये डिस्क्राइब करता है, ही प्रपोज द आइडिया ऑफ सब्सटेंस, यानी कि इसने आइडिया प्रपोज किया किसका? सब्सटेंस का। हिज थ्योरी डिस्क्राइब्स द फोर एलिमेंट्स, इसकी थ्योरी जो है वो डिस्क्राइब करती है चार एलिमेंट्स को, जैसे कि फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेटो। प्लेटो हमारे पास ये जो है ही प्रपोज द टर्म एलिमेंट, ये जो है टर्म एलिमेंट को प्रपोज करता है, यानी कि ये बताता है कि एलिमेंट्स हमारे पास क्या है। एज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं, ये हमारे पास प्लेटो बताता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस क्या करता है? ही प्रपोज द आइडिया ऑफ एटम, यानी कि आइडिया ऑफ एटम हमें बताता है, और एटम हमारे पास एटमोस वर्ड्स जो कि ग्रीक वर्ड है उससे निकला है, और इसकी मीनिंग जो है वो है इनडिविजिबल। इट मीन के एटम, एन एटम इज़ ए इनडिविजिबल पार्टिकल, ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द मुस्लिम पीरियड। जैसे कि अभी हमने ग्रीक पीरियड को डिस्कस किया, अब आएगा मुस्लिम पीरियड। तो मुस्लिम पीरियड में हमारे पास पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो है जाबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान, इसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ही इन्वेंटेड द एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसने जो है यानी कि कुछ केमिकल्स को हम कैसे बना सकते हैं, तो इसने ये बनाना सिखाया। तो नाइट्रिक एसिड को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम कैसे बना सकते हैं, वाइट लेड को हम कैसे बना सकते हैं, ये जो केमिकल्स हैं ये इनकी ईजाद हैं। उसके बाद इसने ये भी बताया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड डाइंग क्लोथ्स, यानी कि हम मेटल्स को उनके ओर में से कैसे हासिल कर सकते हैं, और डाइंग क्लोथ्स यानी कि क्लोथ्स को हम कलर कैसे दे सकते हैं। ये सारी जो कंट्रीब्यूशन थी वो जाबिर बिन हयान की थी। उसके बाद हमारे मुस्लिम जो पीरियड है उसमें हमारे पास अलराज़ी जो आ जाते हैं। ही प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी कि इसने अल्कोहल को बनाना सिखाया कौन से प्रोसेस से? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फर्मेंटेशन प्रोसेस आप लोग इंटर में पढ़ेंगे, इसका ज़्यादा जिक्र नहीं है 9th क्लास में। सो आप लोगों को ये याद रखना है कि अलराज़ी ने इथाइल अल्कोहल को कौन से प्रोसेस से बनाना सिखाया? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अलबेरूनी। अलबेरूनी ही डिटरमाइंस द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसने डिटरमाइन किया डेंसिटीज़ को। उसके बाद इब्न सीना ने क्या किया? कंट्रीब्यूटेड इन मेडिसिंस, यानी कि इसने बताया कि मेडिसिंस को हम कैसे बना सकते हैं। इसने फ़िलोसफी भी स्टडी की, इसने एस्ट्रोनॉमी में स्टडी की। अब एस्ट्रोनॉमी हमारे पास स्टार्स की स्टडी होती है, जो कि हमारे पास इब्न सीना ने की। तो ये हमारे पास मुस्लिम पीरियड था। इसके बाद भी कुछ पीरियड्स हैं, उसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।